एक ऐसे हमारे फिल्म मेकर जिनका बहुत बड़ा योगदान, ऐसा एक अमिट योगदान रहा है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें। और एक नई न्यूज ये है कि बी सुभाष जी बहुत जल्दी एक नई फिल्म शुरू करने वाले हैं जिसे हम बहुत जल्द देखने वाले। जोरदार तालियां इनके आने वाली इस फिल्म के लिए जिसमें हम सभी जुड़े रहेंगे बी सुभाष जी के साथ। एक शुरू किया है कि जिसमें हम जितने भी हमारे सीनियर कलाकार हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस एनजीओ की भी यहाँ पर एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रही है। इससे जोरदार तालियां बजाऊंगा इनके बहुत ही अच्छे काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। राम जी प्लीज दो शब्द आप कहें ओल्ड डायमंड, ये जो एनजीओ है इसके बारे में, डीके श्रॉफ जी के बारे में और बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि पर्दे पे जो आते हैं तो लोग सिर्फ कलाकारों को देखते हैं, ये अमिताभ की फिल्म है, ये सलमान की फिल्म है, फलाने की फिल्म है, मगर उनके पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं असली फिल्में वो बनाते हैं। और उनमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट होता है कास्टिंग का, अरेंजमेंट करने का। तो ये हमारे डी के श्रॉफ साहब उस डिपार्टमेंट को बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरह से निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। मेरी इनको पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्होंने नए तरीके से नए प्लेटफॉर्म से अपना ये लॉन्च किया है। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच सर। हम चाहेंगे खुदाया हमें हंसाया है रजत रेवल जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। ठीक है रजत रेवल जी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलूं, हम पांच में आपने मुझे डायरेक्ट किया था, मैंने एक कैरेक्टर किया था एक एपिसोडिक उसमें, और बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। एक ऐसा एक शुरुआत, पहला सैटेलाइट चैनल टीवी इंडिया का जी टीवी, उस पर उस जमाने में काम करना बहुत मुश्किल था। और जितनी खूबी से रजत जी ने, और पहले तो आई वुड टेक इट एज अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर बिटवीन माय सीनियर्स बी सुभाष साहब, शेट्टी साहब नमस्ते, इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर। और डीके साहब के साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है, मैंने दो फिल्में प्रोड्यूस की थी, एक थी नो प्रॉब्लम और दूसरी रेडी, और डीके साहब उसमें मेरे साथ एज अ पिलर कास्टिंग में मेरे साथ रहे। और ऐसी फिल्में थी जिसमें मल्टीपल कास्टिंग थी, काफ़ी एक्टर चाहिए थे उसमें, और डीके श्रॉफ जी ने उसमें काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी मेहनत की, और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में अच्छा बिजनेस किया, नाम हुआ, बड़े बड़े स्टार थे, बड़े डायरेक्टर साहब थे। एंड आई वुड लाइक टू विश डीके साहब ऑल द बेस्ट विद बिग शॉट एंटरटेनमेंट एंड टेक अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। वो सब सर के लिए कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसको कहते हैं कि गॉड फादर जैसे, तो वैसी उम्र नहीं है सर की, लेकिन मैं बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और इसी JW से मैं अनिल कपूर जी और सर से मिला था, तो ये मेरी एक जन्मभूमि हो गई समझ जाइए, इसलिए इवेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ, तूने जो मुझे छुआ तो मुझे मेरा पता मिल गया।